8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे हो, कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए हैं, चाहे शौचालय घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, सात निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती है। इस स्कूल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस स्कूल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये स्कूल तैयार नहीं हो पाए। अब 8-8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, आवागमन जो है वो चालू हो गई थी क्योंकि पुल का उद्घाटन हो गया। इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर भी जाती, जान माल का नुकसान होता, तो इसका दोषी कौन। और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। अब ये तो 8 साल लग गया पुल बनने में, अब जो टूटा ठीक 29 दिन में ही, तो अब कब तक ये तैयार हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी इसका जवाबदेही तय होगी। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी घोटाले होते हैं, जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं, तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती, केवल जो है छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है और इस वजह से ऐसी घटनाएं जो है लगातार होती है। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है